दिस इज मधु, आई एम हियर अगेन विद अ न्यू वीडियो। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न द लेसन माई चाइल्डहुड। दिस इज पार्ट टू, पार्ट वन ऑलरेडी आई हैड अपलोडेड। सो इफ यू वॉन्ट प्लीज यू चेक दैट। सो हाफ द चैप्टर वी विल लर्न इन दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट पार्ट में हमने समझा था कि जो है कैसे जो है शिव सुब्रमण्यम अय्यर जो उनके टीचर होते हैं अब्दुल कलाम जी के, वो कैसे जो है उनको लक्ष्मण शास्त्री जो हैं उन रामानंदा शास्त्री के पिता, वो जो है बुलाते हैं और उनको समझाते हैं और उन्हें कहते हैं कि आपको बच्चों के दिमाग में पॉइजन नहीं जो है भरना है, इस तरह की चीज़ें बच्चों के सामने नहीं करनी, वो उन्हें समझाते हैं। तो ये भी रिफॉर्म हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं उनके समझाने से, लक्ष्मण शास्त्री के ये टीचर जो है इनका भी माइंड चेंज होता है, वो भी समझते हैं कि हाँ वो गलत कर रहे हैं। तो इसलिए जो है फिर आगे क्या होता है, चलिए हम देखते हैं। ऑन द होल द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम वॉज वेरी रिगिड इन टर्म ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप। अब यहाँ पे ऑन द होल कह रहे हैं कि पूरा मतलब ये है यहाँ पे कैसा सोसाइटी जो वहाँ की रामेश्वरम की जो है कैसी है, वाज वेरी रिगिड, ये जो है बहुत कठोर है इन टर्म्स ऑफ, किस चीज़ में कठोर है, ऑफ द सेग्रेशन, अलग करने में, ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप, जो है डिफरेंट सोशल ग्रुप में डिवाइड नहीं होती। रामेश्वरम के जो लोग हैं वो अपने आप को अलग अलग नहीं समझते हैं, अपने आप को अलग से मैं कम्युनिटीज़ में डिवाइड नहीं करते, वो एक साथ एक जैसे रहते हैं, चाहे वो भले उनके धर्म अलग हों पर वो अपने आप को एक ही मानते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे कोई जो है उनके माइंड को चेंज नहीं कर सकता, ये वहाँ पे एक मैसेज दिया गया कि जो है यहाँ के लोग कितना मिलजुल के साथ में रहते हैं। और बात भी सही थी, अगर ये उस समय उनके रामानंदा शास्त्री जो ये मैसेज अगर ना देते टीचर को कि जो है समझाते नहीं उन्हें कि जो है आपको ये सब नहीं कहना है कि हिंदू के साथ मुस्लिम ना रहे, मुस्लिम के साथ हिंदू ना रहे, ये सब चीज़ें, तो शायद वो उनके दिमाग में यही चलता और जाने कितने बच्चों के साथ वो ऐसा करते। तो ये कितना सही उन्होंने उस समय किया, पुराने समय में भी। हाउएवर माई साइंस टीचर सुब्रमण्य अय्यर दो एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण विद ए वेरी कंजर्वेटिव वाइफ। अब ये जो है कैसे थे, एक साइंस टीचर थे, श्री सुब्रमण्यम साइंस पढ़ाते थे कलाम जी को, और जो है बहुत ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण थे, मीन्स जो कहते हैं ना कट्टर हिंदू ऐसे ब्राह्मण वैसे थे, अपने जो उनके रूल्स रेगुलेशन थे उनके धर्म को लेके, उसके लिए वो बड़े स्ट्रिक्ट थे अपने धर्म को लेके, विद ए वेरी कंजर्वेटिव वाइफ। और कंजर्वेटिव मतलब भी होता है कि एक ऐसे ऐसा लोग जो है अपने जो रिचुअल को बड़ी दृढ़ता से मानते हैं, उन्हें कंजर्वेटिव कहा जाता है। तो उनकी वाइफ जो थी वो भी जो है अपनी बड़ी दृढ़ता से अपने जो है जो उनको सिखाया गया था बचपन से कि हिंदू समाज में ऐसा होता है या ब्राह्मण समाज में ऐसा होता है ऐसे रहना, तो सारे रिचुअल्स को बहुत कठोरता से फॉलो करती थी। वॉज समथिंग ऑफ ए रेबल, ही डिड हिज बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर्स सो दैट पीपल गो वेरिंग बैकग्राउंड कुड मिंगल ईजिली। अब जो है उन्होंने पहले देखिए कैसा था कि एक को हटाया, बाद में वो इतने रिफॉर्म हो गए, इतने चेंज हो गए कि जो है उन्होंने ये सोशल बैरियर को ख़त्म करने के लिए उनसे जो बन पड़ा उन्होंने किया, बहुत सारा जो है सोशल बैरियर्स को ब्रेक करने के लिए तमाम चीज़ें की कि लोग जो है एक साथ, देखिए बैकग्राउंड वेरिंग बैकग्राउंड डिफरेंट बैकग्राउंड से जो लोग आ रहे हैं कुड मिंगल ईजिली, वो सब अच्छे से मिंगल होके मिक्स होके साथ में रहें एक दूसरे के, वो अपने आप को अलग ना समझें और अलग होके ना रहें। He used to spend hours with me and would say, Kalam, I want you to develop so that you are on par with the high educated people of the big cities. कह रहे हैं कि वो जो है he used to spend hours with me, वो मेरे साथ घंटों बिताते थे, बात करते थे उनके साथ। अब वो कलाम को इतना प्यार करने लगे थे कि जो है वो सुब्रमण्यम अय्यर सर कि उनके साथ घंटों समय वो बिताते थे, और जो है जब उनके साथ टाइम स्पेंड करते थे और उन्हें कहते थे कलाम मैं तुम्हें इतना डेवलप करना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ तुम इतने डेवलप हो जाओ कि जैसे बहुत हाई एजुकेटेड बनो, जैसे शहरों के लोग बड़े हाई एजुकेटेड होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं बड़े शहरों के, आप भी बिल्कुल वैसे बनो, इतनी एजुकेशन जो है आप लो। वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर ए मील। अब एक दिन की घटना इसमें बता रहे हैं कि उन्होंने जो है
कलाम जी को अपने घर पे खाने पे इनवाइट किया। हिज वाइफ वॉज हॉरिफाइड एट द आइडिया ऑफ ए मुस्लिम बॉय बीइंग इनवाइटेड टू डाइन इन हर रिचुअली प्योर किचन। अब उनकी वाइफ जो है, जब ये उन्होंने सुना कि इन्होंने उनके हस्बैंड ने एक मुस्लिम बॉय को उनके घर बुला लिया है, उनके किचन में बैठा के साथ में खाना खिलाएंगे, तो ये इससे बड़ी भयभीत हो गई। ये कैसे हो गया? उनका जो रिचुअली प्योर किचन जो है, पूरी तरह से उनके धर्म के अनुसार बिल्कुल था, बाहर का कोई इन्फ्लुएंस नहीं था उनके किचन में, कोई चेंज नहीं था, तो उस पर अब एक मुस्लिम बॉय आके जो है खाना खाएगा उनके किचन में, ऐसा कैसे होगा? शी रिफ्यूज़ टू सर्व मी इन हर किचन। और वो जो है, उन्होंने कलाम जी को अपने किचन में खाना सर्व करने से मना कर दिया, उनको कहा कि मैं खाना नहीं दूंगी। सुब्रमण्य अय्यर वॉज नॉट परटर्बडेड। अब वो जो है बिल्कुल शांत थे, गुस्सा नहीं हुए। उनकी वाइफ ने जब ऐसा कहा कि जो है मैं खाना नहीं परोसूंगी, इनको किस अपने किचन में नहीं बैठाऊंगी, तो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुए उनकी इस बात पे, डिस्टर्ब नहीं हुए। नॉट डिड द गेट एंग्री विद हिज वाइफ बट इंस्टीड सर्व्ड मी विद। अब कह रहे हैं कि वो अप जो है गुस्सा भी नहीं हुए अपनी वाइफ से, और किसी तरह से उन पर जो है कुछ थोपा भी नहीं कि नहीं चलो आओ करो, बल्कि अपनी वाइफ की जगह हिज ओन हैंड एंड सैट डाउन बिसाइड मी टू ईट हिज मील। उन्होंने खुद से जो है खाना परसा, और जो है अपने हाथों से खुद को अपने लिए खाना परसा एंड सर्व किया, एंड कलाम जी के लिए भी खाना सर्व किया, और उनके बगल में देखिए बैठ गए खाना खाने के लिए। पहले लोग नीचे बैठ के खाना खाते थे, तो उनके बगल में वो खुद भी खाने बैठ गए, और किसी भी तरह से उन्होंने अपनी वाइफ को फोर्स नहीं किया, नहीं चलो आप ही निकालो या क्यों ऐसा नहीं करोगे, ऐसा कुछ भी नहीं कहा उन्होंने। His wife watched us from behind the kitchen door. अब उनकी वाइफ दरवाजे के पीछे, किचन का जो डोर था उसके पीछे खड़े होके जो है ना इन लोग को देख रही थी, धीरे धीरे ये लोग यहाँ कर क्या रहे हैं। आई वॉन्डर्ड वेदर शी हैड ऑब्जर्व्ड माई डिफरेंस इन द वे आई एट राइस। अभी तो बच्चे थे और ये उसमें बड़े सरप्राइज हो रहे थे कि ये जो पीछे से क्या देख रही हैं मुझे, ये देख रही हैं कि जो है मैं राइस कुछ दूसरे तरीके से खा रहा हूँ, ड्रिंक वाटर या मैंने पानी कुछ अलग तरीके से पिया, और क्लीन द फ्लोर आफ्टर द मील, या खाना खाने के बाद जो है लोग अपनी जगह को जहाँ साफ़ करते हैं, जूठा उठन उठा लेते हैं, या मैंने वो इन लोग से अलग किया, ये मुझे चुपके से पीछे से क्या देख रही। बहुत सरप्राइज थे इस चीज़ के लिए, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये कर क्या रही हैं पीछे से चुपके से, क्योंकि बच्चे थे ये। वेन आई वॉज लिविंग हिज हाउस, कह रहे हैं जब मैं घर छोड़कर खाना वाना हो गया, उसके बाद जब ये उनके घर से निकलने लगे, तब शिव सुब्रमण्य अय्यर इन्वाइटेड मी टू ज्वाइन हिम फॉर डिनर अगेन द नेक्स्ट वीकेंड। और जो है अगले वीकेंड पे शिव सुब्रमण्यम अय्यर सर ने जो है कलाम जी को फिर से इन्वाइट किया डिनर के लिए। ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन, क्योंकि उन्होंने अभी देखा था कि उनकी वाइफ ने खाना ही सर्व करने से मना कर दिया था उनको, किचन में बोला कि मेरे किचन में आएंगे नहीं, मैं इन्हें परसूंगी नहीं, तो वो हेजिटेट हो रहे थे कैसे मैं बार बार आऊँ इनके यहाँ। तो ये वही जो है सर ने जो है उसको ऑब्जर्व किया, इनके हेजिटेशन को, कह रहे हैं ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट, और उन्होंने कहा कि जो है अपसेट मत हो ये सब चीज़ों को लेके, सेइंग वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड। उन्होंने कहा अगर आप एक बार जो है सिस्टम को जो है चेंज करने के लिए डिसाइड कर लोगे, तो ऐसी प्रॉब्लम तो हमें फेस करनी ही पड़ेंगी, उनका सामना करना ही पड़ेगा। When I visited his house the next week, और जब उन्होंने बुलाया था, कहा था कि इस दिन आना मेरे नेक्स्ट वीकेंड पे मेरे घर साथ में खाने, तो कलाम जी फिर पहुँचे उनके घर। श्री सुब्रमण्यम अय्यर्स वाइफ टुक मी इनसाइड हर किचन एंड सर्व्ड मी फूड विद हर ओन हैंड। अब जो है सर की वाइफ जो है खुद कलाम को ले गई अपने साथ, अपने किचन में ले गई, और जो है अपने हाथों से उन्होंने इस बार कलाम जी को खाना सर्व किया। और देन द सेकेंड वर्ल्ड वार वॉज ओवर, सेकेंड वर्ल्ड वार जो है अभी ख़त्म हो गया था, इधर कलाम जी बड़े हो रहे थे, फिर सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हो गया, एंड इंडियाज़ फ्रीडम वॉज इमिनेंट, और भारत का जो है स्वतंत्रता भी जो है श्योर हो गई, पक्की हो गई। इंडियाज़ विल बिल्ड देयर ओन इंडिया डिक्लेयर्ड गांधी जी। गांधी जी ने ये डिक्लेयर कर दिया, अपने देशवासियों के मैसेज भी दे दिया कि भारतवासी जो है अपना खुद का भारत बनाएंगे। द होल कंट्री वॉज फील्ड विद एन अनप्रिसेंडेंट ऑप्टिमिज्म, और जो है भारत के जो सारे देशवासी थे हमारे, वो सारे जो है एक जो है
आशा में जो है भर गए, आशा से उम्मीद से भर गए कि हमारा जो है देश अब आज़ाद होगा और जो है हम अपने देश के लिए काम करेंगे। सभी कुछ ना कुछ जो है अपने तरीके से अपने देश के लिए जो है आज़ादी में सहयोग देने लगे, काम करने लगे। आई आस्क्ड माई फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम। अब जो है इनका जो एलिमेंट्री स्कूल में इनकी स्टडी भी कम्प्लीट हो गई थी जो है, तो इन्होंने जो है अपने पिता से पूछा कि जो है मुझे परमिशन दीजिए कि मैं रामेश्वरम से बाहर जाऊं, मुझे यहाँ से बाहर जाके आगे की पढ़ाई करनी है, क्योंकि वहाँ पे आगे की पढ़ाई के लिए जो है स्कूल नहीं था। तो यह पढ़ाई उनको कहाँ जाना था, एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इन रामनाथापुरम, रामनाथापुरम में जाके वो वहाँ पढ़ाई कर सके। ही टोल्ड मी एज इफ थिंकिंग अलाउड। जब इन्होंने परमिशन मांगी तो इनके पिताजी ने बहुत सोचते हुए जो है इनसे कहा, अब्दुल आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो। अब्दुल मैं जानता हूँ तुम्हें जो है ग्रो होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जाना ही पड़ेगा। डज द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन अलोन एंड विदाउट ए नेस्ट। क्या जो है सीगल बर्ड जो होती है क्या वो अकेले फ्लाई नहीं करती, वो भी तो जो है सूर्य तक अकेले जो है जाती है और जो है अपने बिना नेस्ट अपने घोंसले को छोड़ के जाती है सूर्य तक जो है। तो इस तरह से आपको भी जाना ही पड़ेगा अगर आपको बड़े होना है, ग्रो होना है, घर छोड़ के अपना जाना पड़ेगा। ही क्विटेड खलील घिब्रान टू माई हेजिटेटेड मदर। अब उनकी मदर जो है हेजिटेंट थी, वो जो है सोच रही थी बच्चा है अकेले कैसे जाएगा, दूर कैसे रहेगा, तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है थॉट्स उनकी माँ के मन में आ रहे थे, क्योंकि वो माँ थी तो उनके लिए तमाम चीज़ें उनके दिमाग में आ रही थी, मेरा बच्चा अकेले कैसे रहेगा। तो उन्होंने जो है अपने जो है वाइफ को समझाया, अब्दुल जी के पिता ने अपनी वाइफ को क्या समझाया, उन्होंने कहा जैसे एक खलील घिब्रान जो है इन्होंने कोट किया है तो उसी लाइन को जैसे उन्होंने दोहराया। क्या दोहराया उन्होंने, योर चिल्ड्रेन आर नॉट योर चिल्ड्रेन, तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इट्सेल्फ। ये जो है लाइफ के डॉटर एंड सन हैं, हमारे नहीं हैं, दे कम थ्रो यू, ये तुम्हारे द्वारा आए हैं, मीन्स जो है हमारे द्वारा इस संसार में आए हैं, बट नॉट फ्रॉम यू, बट जो है ये ऐसा नहीं है कि जो हमारे लिए हमारे द्वारा ही बाहर आए हैं ये बच्चे इस दुनिया में, पर जो है सब कुछ मैं दूँ, जो कुछ मेरे पास है वही मैं इन बच्चों को दूँ। यू मे गिव देम योर लव बट, तुम अपना प्यार इन बच्चों को दे सकती हो, बट नॉट योर थॉट्स, अपने थॉट्स नहीं दे सकती हो, कि मीन्स अपने विचार, अपना जो है सोचती जो हो, अपनी पसंद नापसंद सब कुछ इन बच्चों को नहीं दे सकती हो, कितना भी चाहो, फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स, क्योंकि इनके अपने थॉट्स हैं, इन बच्चों के अपने ब्रेन हैं, ये जो है एक सेपरेट यूनिट बन के आए हुए हैं, तुमसे ही आए हैं पर सेपरेट यूनिट बन के आए हैं, तो इनके पास अपना ब्रेन है, जैसे आप सोचती समझती हो वैसे ये भी सोच समझ सकते हैं सब कुछ, तो इनको आप अपने थॉट्स नहीं दे सकते हो, आप अपना प्यार चाहे जितना दो। तो कहते हैं देखिए स्टार्टिंग में ही अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि उनके पिता में जो है एक ग्रेट इनमेट विजडम था, वो जो है बहुत पढ़े लिखे नहीं थे पर बड़े बुद्धिमान बहुत समझदार व्यक्ति थे। तो ये देखिए कितना यहाँ पे वो जो उन्होंने कहा था इन जो है लाइन्स में वो उनके थॉट्स निकल के आते हैं कि उन्होंने अपने बेटे को सपोर्ट किया एज अ पेरेंट कि बाहर जा रहा है वो डरे नहीं, हिचकिचाए नहीं कैसे जाएगा या ज़्यादा पैसे लगेंगे, ऐसा कुछ उन्होंने नहीं सोचा, बल्कि उन्होंने अपनी वाइफ को समझाया कि जो है पक्षी जो होते हैं वो भी जाते हैं अपने बच्चों के लिए जो है अपना घोंसला छोड़ते हैं और उनके लिए खाना पानी इकट्ठा करके लाते हैं, तो इस तरह से मेरा बेटा भी बढ़ने के लिए जा रहा है, ग्रो होने के लिए, मजबूत होने के लिए जा रहा है, आप उसको जो है रोक नहीं सकते हो क्योंकि वो खुद सोच समझ सकते हैं हर चीज़ को, तो आप अपने थॉट्स भी उन पर थोप नहीं सकते हो। तो ये जो है एक एक्सट्रैक्ट था, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, ये जो है एक एक्सट्रैक्ट था कि कहाँ कौन सी बुक का, विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर रिटन बाय APJ अब्दुल कलाम, इट इज़ अ ऑटोबायोग्राफी ऑफ कलाम सर। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, होप आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। जय हिंद, जय भारत।